जटाशंकर गुरुद्वारा अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बाहर से आए हुए कुछ लोग जो सिख के रूप में वेशभूषा बनाए हुए हैं, वह गोरखपुर में जगह जगह गुरुद्वारे और लंगर के नाम पर चंदा मांग रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सिख धर्म हमेशा सेवा करके अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और समाज का सिख धर्म पर एक विश्वास बन गया है कि सिख धर्म का कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करता है। उसी का नाजायज फायदा उठाकर लंगर के नाम पर घर घर जाकर चंदा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर में तीन मुख्य गुरुद्वारे हैं, जटाशंकर, मोहद्दीपुर और पैडलीगंज। इसके अलावा फर्टिलाइजर और मघर में भी गुरुद्वारा है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे के किसी भी कार्यक्रम में किसी प्रकार का चंदा नहीं वसूला जाता है। हम सभी सिख भाई आपस में मिलकर कार्यक्रम को पूरा करते हैं। उन्होंने सभी जनमानस से निवेदन करते हुए कहा कि कहीं पर भी किसी को भी किसी प्रकार का चंदा ना दें। अगर गुरु जी के प्रति श्रद्धा है तो गुरुद्वारे में आए, गुरुद्वारे में पड़े हुए गुल्लक में अपने पैसे डाल दें या गुरुद्वारे के जिम्मेदार व्यक्ति को पैसा देकर उससे रसीद जरूर प्राप्त कर लें, ताकि जो भी आपकी मेहनत का पैसा है उसका सदुपयोग हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। जी, वीडियो वायरल हो रहा है, गुरुद्वारा के नाम पे लोग कुछ लोग चंदा मांग रहे हैं। जी, क्या है? ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से गोरखपुर में कुछ बाहर से आए हुए लोग, तथाकथित सिख वेशधारी लोग हैं, वो गोरखपुर में जगह जगह गुरुद्वारे के नाम पर और लंगर के नाम पर चंदा मांग रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय कृत्य है। सिख धर्म हमेशा सेवा करके अपनी एक पहचान बना चुका है और हम ये कहते हुए गर्व है कि समाज का जो सिख धर्म पर एक विश्वास बन गया है कि सिख कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, उसका नाजायज फायदा उठा के कुछ तथाकथित लोग लंगर के नाम पर घर घर जाके चंदा मांग रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो तीन गुरुद्वारे, मुख्य गुरुद्वारे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर, गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पैडलीगंज, इसके अलावा फर्टिलाइजर में भी एक गुरुद्वारा है और मघर में भी एक गुरुद्वारा है। हम लोग अपने कार्यक्रम में भी जनमानस से कोई चंदा कभी नहीं वसूलते हैं। अपना जो भी कार्यक्रम होता है आपस में मिलजुल कर या जो आके यहाँ पर दे जाता है उससे लेके करते हैं। अभी हमको पता चला है कि लोगों ने 2,500 3,000 रुपये तक इन लोगों को चंदा दिया है, जो कि उनका दुरुपयोग है। जब आप दान करते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप ये देखें कि आपका दान का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अगर वो निजी स्वार्थ पर, शराब पर, जुए पर खर्च हो रहा है तो आपको ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। हम इसके लिए पहले भी पोस्ट डाल चुके हैं कि आप ऐसे बाहर के लोगों को कभी चंदा मत दें। गुरुद्वारे कभी चंदा नहीं मांगेगा और चंदा मांगेगा ये तो यहाँ के लोकल लोग मांगेंगे। अभी हमको एक रसीद नज़र सामने में आई है जो अमृतसर से आई है। बताइए, अमृतसर जहाँ इतना पैसा रहता है वहाँ से कोई कैसे चंदा मांगने आ सकता है गोरखपुर में? बल्कि चंदे की तो जरूरत हम लोगों को रहती है। इस गुरुद्वारे का निर्माण में यहाँ की संगतों ने के सहयोग से आज इतना भव्य बिल्डिंग बन चुका है, लेकिन हमने बाजार में एक पैसा चंदा नहीं वसूल किया है। मोतीपुर गुरुद्वारे का भी यही हाल, पैडलीगंज का भी। फिर ये कुछ लोग आ जाते हैं और सिखों को बदनाम करते हैं, जिसकी हमको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि आज भी जनमानस सिखों के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत प्यार रखता है। जब उस प्यार को कोई चोट पहुंचाएगा तो हमको कष्ट होगा। इसीलिए हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि कभी कृपया किसी को कोई चंदा ना दें। आपको गुरु घर के प्रति श्रद्धा है तो गुरुद्वारे में आए, वहाँ की गोलक पड़ी हुई हर तीनों गुरुद्वारों में, सभी गुरुद्वारों में गोलक होती है, उसमें आप अपने पैसे डाल दें या गुरुद्वारे के जिम्मेदार व्यक्ति से पैसा देकर उसकी रसीद अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि आप जो भी आपकी मेहनत का कमाई है वो आपकी हराम की कमाई नहीं, आपकी मेहनत की कमाई का सदुपयोग हो सके। यही हम कहना चाहते हैं। और आप इस चैनल के लिए आए हुए हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।